ऊपर से जितना है कुरकुरा है, देख सकते हैं, अंदर से खोखला है, देख सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं कुमकुम सिंह, कुमकुम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ नवरात्रि स्पेशल बड़ा का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है, बनाना भी आसान है क्योंकि बड़ा के टेस्ट से तो हम लोग सभी वाकिफ हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। व्रत स्पेशल ये बड़ा बनाने के लिए मैं देखिए सावा का चावल ली हूँ। इसका मात्रा मैं देखिए इस कटोरी से एक कटोरी ली हूँ, थोड़ा कम यहाँ से, और आप इसको मात्रा बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब इसको अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें थोड़ा गंदगी रहता है हल्का। देखिए तीन चार पानी से मैं धो चुकी हूँ, ये लास्ट पानी है, इसको इस तरह से छान करके निकाल लेना है थोड़ा अच्छे से। अब इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। देखिए इसमें थोड़ा पानी डाल करके पहले इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए पानी डाल के इसका देखिए पेस्ट अच्छे से महीन पेस्ट तैयार कर लिए। जिस कटोरी से सावा का चावल का मैं नाप ली हूँ एक कटोरी, उसी से हाफ कटोरी मैं दही ली हूँ। अब दही को पीछे सेट करना है क्योंकि पहले डाल दीजिएगा ना तो ये पीसेगा नहीं, पीस नहीं पाता है, महीन नहीं होता है। अब मिक्सी एक बार फिर चला लेंगे। अब ये पेस्ट को एक पैन में इसको डाल देंगे। देखिए इसका घोल एकदम पतला होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा पानी और डाल दे रहे हैं। इस बैटर में कुछ मसाला ऐड करते रहे। ये फल वाला नमक है, सेंधा नमक, ये पेपर पाउडर है, 1 इंच आधी अदरक को देखिए छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिए हैं, ये इस चम्मच से हाफ चम्मच हरा जीरा है डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए अभी हाई फ्लेम पर रखेंगे, इसको कंटिन्यू चलाना है और डो के फॉर्म में इसको ले आना है। इसको कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो छोड़ देंगे ना तो इसे ये नीचे जम के बैठ जाएगा, जल जाएगा फिर। देखिए मेरा सिर्फ 2 मिनट हुआ, देखिए जमने लगा है एकदम, इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल ऐसे चलाते रहिए तुरंत। अब फ्लेम को स्लो कर दिए हैं। देखिए गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए, उसको इस तरह से चला लेना है। देखिए हरी मिर्च है, तीखा अपने टेस्ट के अनुसार जितना तीखा खाते हैं डालिए। हम इसे मीडियम साइज के 4 मिर्च डाले हैं, ये धनिया पत्ती है, इसको डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेना है। देखिए मेरा डो ठंडा हो गया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा रिफाइन लगा लेंगे देखिए, और इसको नींबू का आकार कर लेंगे, थोड़ा नींबू साइज का ऐसे गोल बना लेंगे। देखिए दोनों साइड से इस तरह से इसी तरीके से हम और तैयार कर ले रहे हैं, देखिए इस तरह से। अब इसको देखिए इसको तैयार कर लिए, अब इसको तलेंगे। देखिए गर्म हो गया है काफी, ये लग रहा है, फ्लेम को सिम कर देंगे। फ्लेम को एकदम मीडियम रखेंगे, तेज नहीं। देखिए पलट पलट के इसको इस तरह से तल लेना है। अब फ्लेम को कम करके रखेंगे, अब पलटते रहेंगे नहीं तो एक साइड रखेंगे तो जल जाएगा। देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, इसको निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी मैं डाल दे रही हूं। देखिए मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया, अब इसको निकाल ले रही हूं। मेरा सामा का बड़ा बनके तैयार हो गया, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम खाने पर लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने व्रत रखा है। तो एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिए, और मैं इसे हरी मिर्च के साथ सर्व की हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।